जो है ब्रा पेंटी में घूम रही है, बिना बनिया इनके चड्डी बाबा में थी। हाँ मैं गलत थी। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और बस हो गई मॉर्निंग की शुरुआत, मैंने साफ सफाई कर ली थी, साफ सफाई के बाद पूजा पाठ, और अब मैं बना रही हूँ खाना। और अविष्का के लिए मैं बनाऊंगी आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी, पर उसमें थोड़ा पालक डाल दूंगी क्योंकि अविष्का को थोड़ा हरी सब्जी की जरूरत है। और पालक वगैरह वैसे भी किसी बहाने से मैं डाल डाल के खिलाती रहती हूँ। और आज का व्लॉग जो है वो कुछ है कि मेरी खुद की ऐसी कुछ समस्याएं हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे आज तक अपनी ज़िंदगी में समझ में नहीं आई। और वो बातें मुझे समझाई, कभी मम्मी ने समझाई, कभी पापा ने समझाई, कभी चाचा ने, कभी ताऊ ने, और अब मेरे पति मुझे समझाते हैं, पर मेरे दिमाग से बिल्कुल ही परे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, हो सकता हो ये बातें आप मुझे समझा पाए। तो ज़रूर इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई जिनकी वजह से ये क्वेश्चन जो है मेरे अंदर हमेशा आया, और हमेशा मैंने अपनी मम्मी पापा से पूछा, और अगेन फिर से ये चीज़ें मेरे जीवन में आई और मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया जो मेरे समझ के बिल्कुल परे था। तो हो सकता हो आप लोग समझा के मुझे देखिएगा, हो सकता हो आपकी बात मुझे समझ में आ जाए। और आप लोग ने ये गाना सुना होगा, बहुत ही फेमस सॉन्ग है और काफी हार्ट टचिंग है। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पारे करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, दहलीज ऊंची है पारे करा दे, मुड़ मुड़ के देखो ना दिलबरो। मेरी दिलबरो का सॉन्ग है, और मेरा मैंने ये सॉन्ग किसने गाया है कि मुझे ये समझ में नहीं आता है, दहलीज ऊंची है पार करा दे। एक लड़की अपने पापा से ये कहती है इस जमाने में कि दहलीज ऊंची है पार करा दे, क्या वो लड़की सक्षम नहीं है? क्योंकि ये उस चीज में कही जाती है, बात हो रही है यहाँ पर कि जो बेटी है वो डर रही है कि समाज की दहलीजें ऊंची हैं, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं कोई मेरे साथ कुछ कर ना दे, इसलिए वो कहती है कि दहलीज ऊंची है पार करा दे। पर आप लोग को लगता है कि इस समय में, इस युग में क्या ये चीजें खत्म हो गई हैं, या आज भी दहलीजें ऊंची हैं और हर लड़की को पार करने की जरूरत है, किसी के सहारे की जरूरत है, चाहे वो पति हो, चाहे पिता हो, चाहे चाचा हो, चाहे कोई भी। और फ्रेंड्स सब कुछ नीचे का फ्लोर का काम सारा ख़त्म करने के बाद, लंच वंच करने के बाद, मैं ये कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे, एक्स्ट्रा क्या, कुछ तो बेबी वेयर के थे और कुछ कपड़े जो थे जैसे कि सोफे का कवर वगैरह मैं चेंज किया था, तो साथ ही साथ मैं धुल के रख देती हूँ, क्योंकि रखने के बाद बहुत टाइम नहीं करती हूँ, क्योंकि ये सब तो हाथ से ही धुलने वाले कपड़े हैं, तो मैं इनको सबको हाथ से ही धुल देती हूँ। और डेली वेयर के कपड़े क्योंकि इकट्ठा नहीं होंगे ना, और यहाँ पर ऊपर फ्लोर की यहाँ सफाई करना, ये सारी चीज़ें सफाई, और यहाँ पर तो कबूतरों का बहुत ज़्यादा तांता लगा रहता है, इस वजह से यहाँ पर बहुत हर टाइम टू टाइम सफाई करनी पड़ती है। फ्लोर पे ये जो बालकनी है जो मैं थर्ड पे आती हूँ, तो ये वाला पोर्शन में इसमें कबूतर गंदगी बहुत करते, क्योंकि ये सारे कबूतर यहाँ बहुत रहते थे। तो यहाँ देखिए सारा जितना टफन है ना शीशे पर, पूरा कबूतर की पॉटली पड़ी रहेगी। से जो सूखे हुए थे पील हमारे, वो मैंने छुपा दिए हैं इनमें, और अब पौधों को मजा आएगा क्योंकि उनको भी मिल गया है अच्छा फ्रूट्स खाने को। और इसकी वजह से कितना लटक रहा है, इसको तोड़ना पड़ेगा, और इसकी सारी ये तोड़ देते हैं। और यहाँ लगे अविष्का पावदान धोने में, सिखा रही हूँ मैं कि कैसे पावदान धुला जाता है। नहीं धुलो बेटा, बहुत जरूरी होता है, सब काम आना चाहिए लड़कियों को। जो है मेरी मम्मी के हाथ का बनाया हुआ था, जो मम्मी ने मुझे दिया था ससुराल में, और ससुराल वालों ने इसको सबको निकाल के बक्से में से, और देखिए कहाँ कहाँ कूड़े में फेंक रखा था। तो जब मैं लेकर आई, मेरी सास मुझसे नाराज हो गई थी बहुत ज्यादा कि नई प्रॉपर्टी उपर्टी का मामला हो गया था, तो फिर जो है मेरी सास ने मुझे ये सब उठा के फेंक के दिया कि सब ले जाओ, ये सब तुम्हारा है, प्रॉपर्टी नहीं दी। पर हाँ माँ प्रॉपर्टी से बड़ा ये माँ का गुलदस्ता है जो उनके हाथ से बना हुआ है, पर हाँ उसकी ऐसी की तैसी कर रखी है, अब मैं इसको करूँगी नया,
क्योंकि मेरी माँ का दिया हुआ है। 100 गुलदस्ते कुर्बान मेरी माँ के इस गुलदस्ते पे। ऐसे नहीं, ऐसे घुमा के डुबो। अच्छा। फूल साफ करने हैं उसके। हाँ ऐसे उल्टा करो। यस डिप करो। डिप डिप डिप। 1 2 1 2 1 2 ऐसे करो। मेरे हस्बैंड जो है मुझे कल से वीडियो देख करके उसके बाद जो है मुझे सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना, इग्नोर करना चाहिए क्योंकि जमाना खराब है। पता नहीं कौन कहाँ है, पीछे लग जाओ, बस फालतू पसंद करे। तो मेरे हस्बैंड जो है मुझे सलाह दे रहे हैं, मतलब कि मेरी सलाह देने वालों की लिस्ट में अब मेरे हस्बैंड का भी एक और ऐड हो गया, क्योंकि मैं शुरू से मम्मी पापा की सलाह, चाचा ताऊ की सलाह, पापा की सबसे ज़्यादा, और उसके बाद मेरे हस्बैंड की। तो सलाह देने वालों की लिस्ट बहुत है। अगर कोई कुछ गलत करता है तो लोग उसको सलाह नहीं देते, लोग उसको सलाह देते हैं जो सही है। तो मैं सही हूँ तो मुझे सलाह मिल रही है। पे चलते हो आप, डिसन जा रहे हो, तब भी तो आपके साथ होता है, तो भी वहाँ पर क्या हमें ये सोचना चाहिए कि हमें हम क्यों हम गलत हैं वहाँ पर भी। वहाँ पर एक लेवल तक तो इग्नोर करते ही हैं। मैं तो नहीं मानती बिल्कुल भी कि अब मेरा सिर में दर्द हो रहा है, मैं सुबह से सलाह इनकी सुन सुन के अब मैं जा रही हूँ अपनी ग्रीन टी पीने, क्योंकि मेरे ग्रीन टी का टाइम हो। तो फ्रेंड्स जो लोग चाहते हैं रियल में कि थोड़ा सा बॉडी फिट रहे, वेट मेंटेन रहे, तो ग्रीन टी पीजिए, एक्सरसाइज करिए, 32 बार का फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करने से ना, क्योंकि आप सोचो कि एक घंटे एक्सरसाइज कर लो, नहीं कर पाओगे। तो थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा योगा और थोड़ी ग्रीन टी और 32 बार का फॉर्मूला, और ये सब चीजें मिला करके आप कम से कम ज्यादा एज में फिट रह सकते हो। वरना ज्यादा एज में लोगों की जो हालत होती है ना, पूरा शरीर बिल्कुल बेढंगा हो जाता है। ये दिल तेरे लिए मैं और मेरी ग्रीन टी मेरे हस्बैंड बिल्कुल मना कर रहे हैं, मैं नहीं पीऊंगा, मैं तो एक कप पीती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा फिट रहना है, क्योंकि मोटे हो जाएंगे तो भी पसंद नहीं आते हस्बैंड लोगों को। बोलते तो जरूर है ये मत करो वो मत करो। तो मैं आप लोग से, मैंने जैसे कहा था ना कि मेरे हस्बैंड मुझे सलाह दे रहे हैं, दिखाया मैंने आपको, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी स्टोरी, मुझे क्यों इतनी ज़्यादा सलाह मिलती है और मुझे क्यों सलाह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। एक्चुअली जब मैं जब बीएससी किया था, मैंने बीएससी करने के बाद जब एमएससी आईटी की परमिशन मेरे पापा ने किसी तरह दी, और एमएससी आईटी करने के बाद क्योंकि एज कम थी तो शादी वादी होना नहीं था, क्योंकि वो मेरी बड़ी दीदी थी मेरे आगे, तो मैंने एमसीए करने के लिए कहा, तो मेरे पापा ने मना कर दिया क्योंकि बोले कि एमसीए कैसे करोगी, लड़का कैसे मिलेगा, ये है वो, बहुत सारी बातें। फिर फाइनली मेरी मम्मी मान गई, और मम्मी के मानने पर मैंने एमसीए स्टार्ट किया। मेरा कॉलेज जो है वो 30 किलोमीटर लगभग दूर था, तो मैंने एक टीवीएस स्कूटी खरीद रखी थी, वो मैंने खरीदी थी अपने पैसे से, क्योंकि मैं थोड़ा इंश्योरेंस का काम करती थी। तो मैं जाती थी, तो मैं एक दिन जा रही थी, तो जो गोमती नगर का फ्लाईओवर होता है, जो लोग लखनऊ में रहते थे वो जानते होंगे, तो उसमें क्या हुआ कि दो चार लड़के जो है ना, मैं बहुत डिसेंट ड्रेस, क्योंकि लखनऊ में ऐसे ही होता है, बहुत डिसेंसी होती है, मतलब कि पहले टाइम में जो है सलवार कुर्ता विद दुपट्टा और एवरीथिंग, मैं भी ऐसी चल रही थी, और दुपट्टा ऐसे साइड में नहीं ऐसे कस लेते वैसे ही, और मैं शरीर बहुत दुबला पतला था, मैं उस एज में भी 45 किलो की थी। तो ये नहीं कि मैं बहुत मॉडर्न थी, बिल्कुल नॉर्मल सी, अब तो मैं बहुत मतलब अपने आप को अपडेट कर चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा बोल लेती हूँ, तब मैं थोड़ी ये दब्बू टाइप की थी, आना पढ़ना लिखना दैट्स इट ओनली। पर वो दो चार लड़के जो है मुझे बार बार हूटिंग कर रहे थे, बार बार कमेंट कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो मैं नहीं चाह रही थी, मैं गाड़ी को स्लो करके मतलब अपनी स्कूटी को स्लो करके सोच रही थी वो आगे निकल जाए, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे मैं उनके साथ रेस लगाऊं, इस तरह की हरकतें करूं, वो मैं नहीं कर रही थी। और फिर आखिर में नहीं माने और उन्होंने मुझे मतलब इरिटेट होकर के उन्होंने ठोक के चले गए, क्योंकि मैंने उनको कोई भाव नहीं दिया। ठोक के जाने के बाद मैंने ये बात घर में नहीं बताई, मैंने भाई को बताई, भाई आया, चोट लग गई थी थोड़ी सी मुझे, और फिर मैंने इसलिए नहीं बताया, मैंने कहा बड़ी मुश्किल से तो पापा एमसीए के लिए रेडी हुए हैं, और आप बोलेंगे कि जो है तुम्हें लड़के परेशान कर रहे हैं, और मेरे पापा हमेशा इस चीज़ को सलाह दिया करते थे, परेशान रहते थे कि लड़कियों को थोड़ा बच के चलना चाहिए। तो मेरे भाई ने तो ज़्यादा सलाह नहीं दी, क्योंकि मेरे भाई का नेचर थोड़ा मेरे जैसा है, थोड़ा सा वो भी स्ट्रांग बनो दीदी, स्ट्रांग बनो काइंड ऑफ है। तो बस उसके बाद से तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरी मम्मी ने, मम्मी को धीमे से बताया, मम्मी ने मेरी सलाह दी, बेटा लड़कों से बच के रहना चाहिए, वरना लड़के बहुत कुछ कर देते हैं, जमाना बहुत खराब रहता है। मैंने कहा भाई, वहां से मेरी सलाह स्टार्ट हुई, जबकि मैं वहां गलत नहीं थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं शांति से अपना जा रही थी। बताइए आप, मेरी बताइए, आप लोग बताइए मेरी क्या गलती थी। महिपालपुर का केस हुआ, महिपालपुर के केस में लड़की को इतनी गंदी तरह से किया, सब पता है दिल्ली का महिपालपुर का केस। उस लड़की की क्या गलती थी, कौन सा वो
जो है ब्रा पेंटी में घूम रही थी या ऐसे। और दूसरी चीज, अक्सर लोग सलाह देते हैं कि लड़कियों को ऐसी ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, वैसी ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कपड़े लड़का जो है कुछ भी पहन के घूम जाए, बिना बनिया इनके चड्डी पहन करके बाहर निकल जाए, और लड़की जो है नॉर्मल डिसेंट ड्रेस में भी निकल रही तो भी वो सेफ नहीं है। लोग उसे सलाह देने लगते हैं भाई ऐसा मत करो। मेरी शादी होने के टाइम में भी मेरे चाचा था, उन्हें बहुत सलाह दी, बेटा तेरी शादी होने वाली है, अब शादी होने वाली है, तुझे अब ना बच्चे के रहना पड़ेगा, ऊंच नीच होगी तो बड़ी होगी, नाक कट जाएगी। मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मेरा भी तो उस समय भी एमसीए फाइनल ईयर चल रहा था, मैं तो उस समय भी कुछ नहीं कर रही थी, फिर भी मुझे सलाह दी गई कि नहीं भाई कुछ मत कर, जा मत बाहर, इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट घर में बना ले, टीचर से छुट्टी की कंप्लेन वो मतलब एप्लीकेशन दे दे कि मैं नहीं आ सकती, तेरे साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, ये ना हो जाए, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। भाई तरह की सलाह, शादी हो गई, फिर उसके बाद मैं एक बार जो है मतलब मैं एनएमसी यानी दरियागंज में एक लेक्चर आती थी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में, वहां पर मैं जा रही थी तो किसी ने मतलब मेरा मंगलसूत्र खींचने की कोशिश की, मैंने उसको वहीं पकड़ के उसके पैर पैर रख करके, दुबला पतला लड़का था, मैंने उसको खूब मारना शुरू किया, जैसे मारना शुरू किया ना फिर उसके बाद वो भाग गया, चेन वो मुझे मिल गया मंगलसूत्र। फिर लोगों ने मुझसे सलाह दी, अरे मैडम अभी प्लेट मार देता, अभी आपके जो है इसने मतलब कि आपकी गर्दन उड़ा देता, आपके एसिड फेंक देता, क्योंकि मैं वहां मैं गलत थी। गलत कौन था? गलत वो लड़का था, पर सलाह मुझे मिली। घर आई, मेरे पति ने सलाह दी तुम्हें क्या करने की जरूरत थी, कल को कुछ हो जाए तुम्हें, कुछ कर दे तुम्हें, वहां भी सलाह, क्योंकि वहां भी औरत गलत है, क्योंकि मैं गलत हूं, मैं मंगलसूत्र पहनी क्यों, ये मेरी गलती थी। घर पे जब मैंने ये वाला वीडियो बनाया तभी मेरे हस्बैंड सलाह दे रहे मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें इग्नोर करना चाहिए, तुम्हें ब्लॉक करना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आता है भाई कि सारी सलाह लेडीज और सारी सलाह वुमेन्स के लिए क्यों है, उन आदमियों के लिए क्यों नहीं है जो ये सब काम करते हैं। एक छोटी सी बच्ची का अगर रेप होता है तो उसमें उस लड़की को सलाह दी जाएगी कि उस आदमी को सलाह दी जाएगी या उसको मार दिया जाएगा? तो मुझे ये समझ में नहीं आता, एक औरत के साथ अगर कुछ गलत होता है तो औरत को सलाह दी जाएगी कि तुमने साड़ी क्यों पहनी थी, तुमने स्कर्ट क्यों पहनी थी, तुमने छोटा कपड़ा क्यों पहना था, सलाह उसको क्यों नहीं दी जाती, उस आदमी को क्यों नहीं दिया जाता? हमें समझ में नहीं आता हमारे संविधान में ऐसा रूल बना ही क्यों नहीं है, इस तरह से होता क्यों, लोग हमी को क्यों सलाह देते हैं? एक औरत ही पैदा हुई है वो सलाह पाने के लिए, सलाह सुनने के लिए? मेरे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन बचपन से भरी हुई है, मुझे समझ में नहीं आता कि ये सलाह सिर्फ हमारे लिए क्यों नहीं है, उन लोगों के लिए क्यों नहीं है। मैं तो होती ना, आपको पता मेरे संविधान अगर मेरे हाथ होता तो चौराहे पे गोली मार देती इन सारे को, इतनी सी गलती मार देती, अगर ठोकर भी लगती ना लड़कियों को तो मैं गोली मार देती इनको, वो इस वजह से क्योंकि ये सलाह सिर्फ हमारे लिए आती है, मतलब हमारे लिए बंदिश है, हम सिंदूर लगा के चल रहे, बिंदी लगा के चल रहे, पैरों में बिछिया है, हैं हाथ में चूड़ी पहन रहे हैं, सब चीज का हम दिखा रहे हैं, चाहे वो 30 साल की हो, 35 साल की हो, कोई भी हो, इफ टीजिंग से कोई नहीं बचा, पर सलाह हमें दी जाती है ये तुम गलत हो, वो गलत नहीं है, वो तो दूध के धुले हुए, उन्हें तो गंगा जी में नहा रखा है। तो मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, मेरा क्वेश्चन यही है आप लोगों से, क्या ये जो सलाह लोग मुझे देते हैं इसमें क्या मैं गलत हूं? अगर मैं गलत हूं तो आप लोग कमेंट भर के बताइए, मुझे समझाइए मुझे कि बचपन से आज तक मुझे ही क्यों सलाह मिलती है चीजों को करने के लिए, क्या मुझे हक नहीं है उन लोगों की बैंड बजाने का? सिर्फ मैं डरती रहूं, उन लोगों को डर होने की जरूरत नहीं है? तो मैंने क्या किया, मैंने एक्शन गलत लेके क्या किया? कहते लोग महिलाओं के लिए कानून बने, कहां गए वो कानून जब लोग हम ही को सलाह देते रहते हैं? तो चलिए फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सलाह मेरे लिए, क्या मुझे सलाह माननी चाहिए या मुझे बुढ़ापे तक 80 साल तक यही सलाह माननी है, क्योंकि मैं बहुत लंबी जीने वाली हूँ, क्योंकि जब तक मेरी फ्रस्ट्रेशन है तब तक मैं इस दुनिया से ऊपर नहीं जाने वाली, मैं हमेशा भगवान से पूछती रहूंगी कि भगवान क्या सारी सलाह औरतों और बच्चों के लिए है, मतलब लड़कियों के लिए खासकर। तो इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करते हैं, और मेरी ग्रीन टी अब थोड़ी सी हो गई नॉर्मल, मैं इसको पी सकती हूँ, क्योंकि सुंदर रहे, अगर हम सुंदर भी है ना तो भी तकलीफ है आदमियों को, और अगर बदसूरत भी है ना तो भी हमें कमेंट मिलेंगे, दोनों केस में हमारा ही घटा है। आज के लिए इतना, कल से फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हाँ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ।